Hey children, welcome to your own Akash Baiju's neat channel. I'm Dr. Pankhuri Miglani, your biology teacher. जैसा कि हर वीकेंड पर आपसे वादा है, आपसे प्रॉमिस है कि ऐसे बातचीत और ऐसे सेशंस हम लेकर आते हैं विच आर वेरी वेरी इम्पेरेटिव, विच आर वेरी क्रूशियल फॉर योर ओवरऑल नीट प्रिपरेशन. सिलेबस तो हम पूरा हफ्ता कवर कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम रिविजन कर रहे हैं, बायो की रणनीति कर रहे हैं, लेकिन वीकेंड पर, जैसे मैंने आपको पिछले वीकेंड पर टोटल वेटेज बताई थी 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी में, ताकि आप अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज कर सको, आज मैं एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उसका जवाब लेकर आई हूँ. हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एज वेल एज फॉर बोर्ड. जितने भी मेरे 12th क्लास अपीयरिंग बच्चे हैं जिनका 7th मई को नीट 2023 है, उनको इस बात की बड़ी चिंता है कि मैम अब इन दोनों को कैसे हैंडल करें. जब मैंने वेबिनार लिया था तो भी ये डाउट काफी ज्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे बात ही कर ली जाए. तो बच्चों, जो बात आपने मेरे मुंह से हमेशा सुनी है वो ये है कि ओवरऑल अगर सिलेबस को देखा जाए, पूरा कंप्लीट, मैं बायो की अगर बात करूं, कुल मिला के मान लो 40-42 चैप्टर्स हैं. मैं केमिस्ट्री की भी बात करूं, फिजिक्स की भी बात करूं, ओवरऑल सिलेबस आपका 80-90% कॉमन है. द नंबर ऑफ चैप्टर्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात हुई है जब से नीट एग्जाम स्टार्ट हुआ है, दैट द चैप्टर्स आर सेम. चैप्टर्स आर सेम. इवन एनटीए की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो वो ये कहती है कि जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं 1, 2, 3 टिल द लास्ट चैप्टर, टिल द 20th चैप्टर, आपके वही चैप्टर्स बोर्ड्स में हैं. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. पे अटेंशन टू द कॉमन टॉपिक्स बिटवीन नीट एंड बोर्ड एग्जाम. अब इसका क्या मतलब है? क्या कुछ ऐसा भी है जो अनकॉमन है? तो बच्चों, मैंने बोला 80-90%, ये बात सच है कि उन्हीं टॉपिक्स में, उन्हीं चैप्टर्स में करीब करीब 10, मैं इसमें 20% की गुंजाइश लेकर चलती हूँ, हमें ज्यादा डिटेल में जाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे साथ प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है, अगर एनसीईआरटी सिर्फ फोटो रेस्पिरेशन क्या है, क्या दो प्रोडक्ट्स बनते हैं जब RUBP ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इतनी बात करती है, तो 11वीं का चैप्टर है, सेम अगर 12वीं की बात है, तो बोर्ड्स में सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है. लेकिन नीट में वो ये जरूर पूछ सकता है, आई एम गिविंग यू अ वेरी फेयर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई टेक द टॉपिक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन हियर. वो क्या करेगा, वो नीट में आपसे पूछ लेगा कि कितने, कौन से 3 ऑर्गेनल्स हैं जो फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, राइट? तो वो जो 20% बाहर जाना है, सही बात है, वो आप पूरा हफ्ता आकाश बायजूस नीट पर जब मेरे साथ क्लास लेते हो, आप वो 20% तक प्रिपेयर कर लेते हो. अब इस 20 का मैं 50% करूं तो मैं बुद्धू हूं? 20 का मैं, 20 मैक्सिमम है कि भैया एम्स लेवल का पेपर है, बड़ा ही मुश्किल पेपर है, इसको 30% भी करने की आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो नीड टू गो एनी मोर देन 20% ऑफ योर नीट एनसीईआरटी सिलेबस. तो आप जब आपके बोर्ड्स आ रहे हैं ना, आपको अब से लेकर, अब तक आपका ये 20% हो जाना चाहिए, अब से लेकर, ताकि आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करो और नीट भी आपका 80 से, भाई आजकल 90% नीट का पेपर बोर्ड्स वाले सिलेबस से आता है, मैं आपको सच बोलूं तो, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो मुश्किल है. जैसे नीट 2022 में पेपर का पैटर्न काफी चैलेंजिंग था, इट वाज मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, लॉट ऑफ एसर्शन रीजन क्वेश्चंस, लॉट ऑफ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चंस, तो चॉइसेस भी 4 से ज्यादा थी, 5 या 6 चॉइसेस थी, उन सबको पढ़ो, उनमें से करेक्ट निकालो, उसमें टाइम चला गया. तो नीट का पेपर कैन बी ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ पैटर्न ऑफ द पेपर ऑल्सो, not in terms of syllabus. Please understand that. Today I've come here to explain you. Please this session ko like aur share zarur kar dijiyega. This is one of the burning questions. This is the most burning question that Janta has. Most burning question of today. So I'm telling you, please don't worry yourself, but acclimatize yourself.
prepare yourself for a difficult pattern of the paper. और उसके लिए हमारी नीट मॉक टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अब आपने क्या करना है, अब से लेकर मैं मोटा मोटा लगा रही हूँ जनवरी, मैं थोड़ा सा आगे चल रही हूँ, है ना. चाहे हम अभी दिसंबर में हैं, लेकिन आ गया हैप्पी न्यू ईयर तो आ गया, तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं. तो बेटा आपने क्या करना है, अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि आपने जो मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज दी थी ना, कि भैया इकोलॉजी की इतनी वेटेज है, जेनेटिक्स की इतनी वेटेज है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सबसे पहले करनी है, हाँ, उस वेटेज के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओगे. क्यों? क्योंकि वो वेटेज नीट की है. हम क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर्स नीट में ज्यादा क्वेश्चंस लेकर बैठे हैं उनको पहले कर रहे हैं, अपन छोड़ कुछ नहीं रहे. सो प्रायोरिटाइज मोर वेटेज चैप्टर्स. आपकी बोर्ड्स की तैयारी हो रही है, लेकिन आप सिर्फ एक ऑर्डर चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपका आपको एक तीर से दो निशाने बनाने हैं. एनसीईआरटी बुक्स आर बो इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जाम. बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, मैम अच्छा अब बोर्ड्स तो मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, बचपन से बताया हुआ है, नीट के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कितना बड़ा एग्जाम है मैम, कैसे हो सकता है बिना एनसीईआरटी के बाहर जाए. तो यू हैव टू अपडेट दिस मिसकम्युनिकेशन, मिसनोमर एंड मिसगाइडेंस. वी यूज टू डू एक्स्ट्रा बुक्स, नो एक्स्ट्रा बुक्स. हाँ मैम, अगर आप एक तरफ तो कह रही हैं कि 20% पेपर थोड़ा बाहर डिटेल में आ सकता है, तो फिर वो कैसे करें? तब आ जाते हैं क्लास नोट्स, जिसको भर भर के पीडीएफ आपको रोज सप्लाई किया जाता है. यू आर एट द बेस्ट प्लेस, मीटिंग द बेस्ट पीपल. यू डोंट have to complicate your life, है ना? Be flexible with your academic schedule का मतलब ये नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया और एक दिन 2 घंटे पढ़ लिया. Flexibility का ये मतलब है कि अब जैसे आपके प्री बोर्ड्स आ गए, मान लो आपके प्री बोर्ड्स आ गए, मान लो आपके इंटरनल्स आ गए, बहुत ज्यादा टेस्ट्स आ गए, उसमें घबराना नहीं है. आपका नीट का स्केड्यूल जो बना हुआ है, मान लो किसी दिन आप फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक है, मान लो आप उतनी डेप्थ में नहीं जा पाए जितना नीट के लिए वो 20% जाना जरूरी है, तो कोई बात नहीं, जितना आप स्कूल के लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है नीट में उससे बाहर आए ही नहीं. दिस 20% जो हम जो खींच रहे हैं इलास्टिक को, दैट इज ओनली फॉर सेफ्टी, फॉर अ बैड डे, फॉर अ रेनी डे. इट इज एन अम्ब्रेला, इट इज अ प्रोटेक्टिव शीट. तो प्री बोर्ड्स के टाइम पे फोकस ऑन बोर्ड थियरी, बोर्ड और दी लिमिटेड थियरी, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना बहुत है. एक और बात, जब हम नीट की तैयारी करते हैं तो हम एमसीक्यूज पे फोकस करते हैं ज्यादा, लेकिन अब से जनवरी 2023 से आपको एनसीईआरटी के पीछे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, या आपकी जो बोर्ड्स के प्रीवियस 10 इयर्स पेपर्स हैं, उसमें से यू हैव टू लर्न, यू हैव टू प्रैक्टिस. थियरी सेम है, थियरी इज कॉमन, ये डर निकाल दो कि ज्यादा कम कुछ है, उसी में से ही एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है. लेकिन अब जनवरी ऑनवर्ड्स अगर आपने पहले नहीं की है प्रैक्टिस, एसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसमें 5 और 3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई मोस्टली 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से ही निकल जाता है. दे आर सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, आंसर्स विच विल फेच यू इजिली 1 या 2 नंबर. हाँ या ना सब लोग चैट बॉक्स में बताएं. हाँ मैम ये बात तो सही है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है 1 नंबर और 2 नंबर के सवालों में, लेकिन 5 में से 5, 3 में से 3 लाने के लिए माय आंसर शुड बी डिस्क्रिप्टिव विद द की पॉइंट्स. जैसे क्लास में मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ और सिखाती हूँ कि कैसे की वर्ड से भरा हुआ आंसर होना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस अब आपको जनवरी 2023 से कर लेनी चाहिए. जहां पे भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है वो देगा, जेनेटिक्स में देगा न्यूमेरिकल्स,
पनेट स्क्वायर के क्वेश्चंस देगा, तो वो प्रैक्टिस जरूर करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा आपको शुरू से बताया जा रहा है कि नीट के लिए प्रीवियस 10 ईयर्स करने हैं, बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं मैम 15 साल 20 साल, नहीं भाई, दुनिया जब से स्टार्ट हुई है तब तक नहीं जाना है, ओरिजिन ऑफ अर्थ लाइफ पे नहीं जाना है, 10 ईयर्स इज मोर देन इनफ यार, 5 साल भी कर लोगे एंड में, 10 ईयर्स कीप्स यू वेरी वेरी सेफ, योद्धा की तरह आपको बना देगा। और अब आपको जनवरी, ये सेशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा क्या करना है बोर्ड से, अभी जनवरी तक अपन ने मार्च अप्रैल में बात स्टार्ट जब करी थी, अभी तक हमने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है, हमने नीट सेंट्रिक तैयारी कर ली, हमने एक्स्ट्रा थियरी भी कर ली है, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, हमने क्विजेस भी कर लिए, हाँ, लेकिन अब आपको जनवरी 2023 से क्या करना है, हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी, उस दिन से आपने इन चीजों पर ध्यान देना है। अगर अभी तक नहीं किए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि क्योंकि कॉन्टेंट इज सेम, वी आर वेरी लकी, कॉन्टेंट इज सेम। मेरे टाइम पे बोर्ड्स का कॉन्टेंट अलग होता था, नीट का, नीट तो होता ही नहीं था, AIPMT का अलग होता था, किसी और स्टेट PMT का अलग ही सिलेबस होता था, पागल हो जाते थे हम लोग। आप लोग बड़े लकी हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद दें भगवान का, है ना, कि हमें ये पढ़ाई कम करनी पड़ रही है, लेकिन क्वालिटी से पढ़ाई करनी पड़ रही है ना। तो अब ये निकाल लो, जरा नेट से डाउनलोड कर लो, इसमें तुम क्या करोगे, इसमें भी तुम मोटा मोटा 10 साल का निकाल सकते हो, 10 ईयर सैंपल पेपर निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं करना, एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन 5 घंटे 4 घंटे, अपने लिए वो गोल सेट करें जो आप अचीव कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली अचीव कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी कैन बी अचीव्ड कंसिस्टेंटली, जो भी चीज बार बार की जाए, जिसका भी अभ्यास किया जाए, उसमें आप अच्छे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, हमसे जुड़ना बहुत जरूरी है, अगर आपको बोर्ड्स में भी टॉप करना है, नीट में भी टॉप करना है। बॉटनी का सारा सिलेबस स्मार्ट प्लेलिस्ट में पड़ा है, मिलेगा 11वीं और 12वीं दोनों का। अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कीजिए, किसी भी हालत में ना छोड़िए, हार मत मानिए, मैं आपके साथ हूँ, मेरे सारे लेक्चर्स हैं, DPPs हैं, मेरे हाथ के लिखे नोट्स भी हैं, ये सारे टीचर्स इस चैनल पर पढ़ाते हैं, आपकी कोई भी सब्जेक्ट में कमी आने की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आपको जुड़ना है। जो लोग नए हैं वो मुझसे बात कर सकते हैं, आई एम डॉक्टर पंखुरी मिगलानी, मेरे बारे में जान सकते हैं, बीन टीचिंग सिंस लास्ट 11 ईयर्स, 2023 विल बी द 12th ईयर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, यू आर इन द राइट हैंड्स विद मीटिंग द राइट पीपल, लाइक आई ऑलवेज से। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज @ पंखुरी 007, लाइक दबा दो, इट सर्व्स एज अ मोटिवेशन फॉर मैम, है ना। और कमेंट सेक्शन में बता दो, अभी भी कोई दिक्कत और डाउट है तो मैं सारे कमेंट्स खुद हैंडल करूंगी, मुझे कमेंट लिख के बता दो कि मैम ये मुश्किल है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा आकाश बायजूस नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप तो जादू है, दैट इज वन प्लेस जहां पे अगर आप जुड़ गए तो आपका रोज का टाइम टेबल, आपका रोज का स्केड्यूल, आपकी क्लासेस, आपके नोट्स, आपके होमवर्क क्वेश्चंस, इट इज अ पेंडोरास बॉक्स, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई नोटिफिकेशंस को चाहे आप म्यूट कर दो, लेकिन चैनल को जरूर ज्वाइन करो, और कोई कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं है अपने टेलीग्राम में, हाँ, बस मिलके अब हमें पढ़ाई ही पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ते रहना है। विद दिस आई विल सी यू वेरी वेरी सून, स्टे ट्यून टू द चैनल, बने रहो, देखते रहो, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैम कोई इंपॉर्टेंट बात बोल रही है, मैम कोई मोटिवेशन लेकर आई है, और बिना हार माने लगे रहो। थैंक यू।